अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट 161 की क्या बात है। 161 ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स से आज तक काम किया है, बट हमने रियलाइज़ किया कि एक जगह पे जो हम लैक कर रहे हैं वो है वन ऑन वन जो डिस्कशन है, वो हम अब तक नहीं कर पाए थे। हमने ये डिसाइड किया है कि इस दफ़ा हम इंडस्ट्री के डिफरेंट बिजनेसेस से एक्सपर्टीज़ के लोगों को बुलाएंगे और उनसे उनके स्पेसिफिक इशूज़ और टॉपिक्स पर हम बात किया करेंगे। हमें बहुत सारी सजेशंस आई कि तैमूर इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए या उस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। तो जो पहली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम पॉडकास्ट जो अपना स्टार्ट करेंगे वो है मेंस हेयर केयर और स्किन केयर पे, क्योंकि ये एक किस्म का टैबू बना हुआ है कि जी स्किन केयर या जो हेयर केयर है वो सिर्फ लड़कियों के लिए, और लड़कों की जो ये केयर होती है बड़ी अंडररेटेड है। तो हमने अपनी इंडस्ट्री में से हैदराबाद की जो बेस्ट एक मेन हेयर सैलून है उनके ओनर, मेंस इंप्रेशन के ओनर राशिद यूसवानी साहब को अपने साथ बुलाया है और हम उनसे कुछ जो हमारे इश्यूज हैं उन पे हम डिस्कशन और स्टार्ट करेंगे अपनी। अस्सलाम वालेकुम राशिद, कैसे? वालेकुम सलाम तैमूर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ राशिद। हम बिल्कुल पहले एक जनरल सवाल से स्टार्ट करेंगे, वो ये सबका एक ही इशू है कि पाकिस्तान में लोग अपनी केयर नहीं करते व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर और हेयर केयर, स्पेशली मेन। तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि ये ठीक है या लोगों को एजुकेट होना चाहिए इस पर? यार तैमूर, आपने अपने इंट्रो में ही सारा बता दिया, एक टैबू है, मैंने एक लाइन ड्रा कर दी गई है ना कि स्किन और हेयर की जो वो होंगी वो सिर्फ लड़कियाँ ही इस्तेमाल कर सकती हैं प्रोडक्ट्स, मर्दों में इतना नहीं है उसका। अच्छा, इसमें ठीक है, लोगों को शर्म भी आती है, ना एजुकेट करने की ज़रूरत है। जैसे आप अपने कपड़ों का ध्यान रखते हैं ना, ऐसे आपको अपने फेस का और अपने बालों का ख्याल रखना चाहिए, स्किन को भी। स्किन जब आप एक अच्छे नजर आएंगे तो आपको फिर कपड़े भी अच्छे नजर आएंगे, आपके बाल अच्छे होंगे तो आपके कपड़े भी अच्छे लगेंगे आपको, लोग यानी कि अच्छा सा आपको फील करेंगे, आप खुद अपने आप को अच्छा फील। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे है नहीं वो। हमारे पास अभी जो चल रहा है वो ये है कि जी आप गए, आपने शेव बनाई, खत बनाई और आपने अच्छा सा हेयर कट किया और आपको लगा कि जी बस आपने जस्टिस कर दिया। बिल्कुल, आपके बालों को ट्रीटमेंट चाहिए, आपके बालों को प्रोटीन चाहिए, आपके स्किन को एजुकेशन नहीं है ना हमारे पास। बेसिकली ये कि एजुकेशन नहीं हम लोगों के पास, तो लोगों को पता नहीं है। अब आपकी बताते हैं, हमारे स्टीम चाहिए, स्टीम चाहिए, पोर्स खुलेंगे, क्लेंजिंग चाहिए, आपकी मिट्टी आपके पोर्स बंद कर देती है, वो क्लेंजिंग होनी चाहिए। तो इसको बड़ा वो जो है ना फीमेल ओरिएंटेड एक सब्जेक्ट माना जाता है। हाँ, ये गलतफहमी है यहाँ पे। अच्छा, मैं अक्सर सैलून पे जाता हूँ, वहाँ पे वो पार्टीशंस लगा देते हैं, यानी क्यों हो ऐसा क्यों है भाई? अगर वो अपनी स्किन की केयर कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन उनको लगता है कि यार मुझे ये वो फील नहीं होगा कि जी लड़की लड़की, ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वही है ना कि एजुकेशन नहीं है ना हमारे पास। अगर वो एक करवा रहा है तो फिर दूसरे उसको बोलते हैं कि यार ये क्या करा रहा है, औरतों वाले काम करा रहा है, वीडियो बना रहे हैं, ये गलत बात है। एजुकेशन देनी चाहिए उनको हमारे पास। बेसिकली देखो ना, आप हर सब्जेक्ट पर आप टी वी पर देखें आपको एजुकेट किया जाता है, इसके बारे में कभी भी आपको नहीं माना बताया जाएगा कि स्किन का कैसे किया जाए, बालों की ट्रीटमेंट कैसे की जाए। एक नॉर्मल से शैम्पू के या फेस वॉश के आए थे, मगर उसकी जो फायदे अफादे थे ना वो नहीं बताते हम लोग। अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ कि बराए मेहरबानी, अच्छा मैं उन लोगों में से हूँ जो मैं भी नहीं करवाता। हाँ, मैं भी अपनी स्किन की केयर नहीं करता, बट मैंने अब जाके रियलाइज़ किया कि वाकई जब आप एक एज पे पहुँचते हैं तो आपको फिर एहसास होता है कि यार करनी चाहिए थी। हमारे जितने भी फिल्म एक्टर्स हैं, हमें हम उनको देख के कहते हैं कितनी उनकी स्किन ग्लो करती है, अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, अब यहाँ पे देखें लोगों को, जैसे आपने एक्टर्स की बात की, बड़ी एज के भी हैं ना तो छोटे बच्चे से लगते हैं, बिल्कुल ऐसे अपने केयर करते हैं, और हमारे पास आप छोटी एज के देखें अपनी स्किन का केयर नहीं करते हैं, बालों का केयर नहीं करते, वो अपने एज से बड़े लगते हैं, रिंकल्स आना, अपनी एज से बड़े लगना शुरू हो जाते हैं, ये है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि आप स्किन को साफ करवाना चाहिए ना अपने, फ्रेशनेस आती है उससे। अच्छा, उसमें ये कि आपकी स्किन के लिए आप छोटी छोटी रेमेडी स्टार्ट कर दें कि आप फेस वॉश ले आए, पहले पहला सब काम करें फेस वॉश, साबुन को साइड पे करें और दूसरों को टॉवल यूज ना करें। ये एक बड़ा वो इम्पैक्ट। आप ये करेंगे फेस वॉश शूज बहुत 200, 300, 500, 800 रुपए का आपको मिल जाता है। अच्छा तैमूर, एक मैं आपको मैं बात बताऊं दूसरी की ना, फॉर एग्जांपल जैसे लोग डरते भी हैं, वो सारे अपना है ना वो थोड़े शायद भी होते हैं, स्किन से नुकसान भी होता है, ये भी वो है। अब केमिकल से हटके भी चीज़ें आ गई, फेस वॉश आ गए, आपके क्लिनजर आ गए, टोनर आ गए, मास्क आ गए, सारी चीज़ें अपना विदाउट केमिकल के भी आ गए। बात है कि आजकल गूगल और ये सारी चीज़ें इतनी हो गई, इतना आसान हो गई आपके पास इन्फॉर्मेशन, कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में मालूम करना तो आप टाइप करें और बिल्कुल। अच्छा, दूसरी फॉर कभी अब लोग लें भी ना ये चीज़ें तो अपने स्किन देखे फिर वो प्रोडक्ट खरीदें, ये नहीं कि टीवी पे फॉर एग्जाम्पल एक ऐड चल रही है सारा दिन, अब वो क्या ऐड
दिमाग में हम लोगों को बैठ जाती है कि यार मुझे यही लेनी चीज़। अच्छा, तो स्किन को भी अपना ना जस्टिफाई करके फिर अपना वो लेनी चाहिए। जैसे हमारे पास एक डॉक्टर लाइंस के अंदर एक फील्ड है डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि स्किन से रिलेटेड है। हाँ, मैं मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता कि हो सकते मेरे फैक्ट्स सही ना हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी उनकी पेशेंट्स जो होंगी ना वो फीमेल होंगी, मर्द नहीं जाते होंगे कि यार मुझे अपने बताएं मेरी ऑयली स्किन है, मेरी ड्राई स्किन है, मुझे क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए। आप ट्रीटमेंट की एडवाइस तो ले सकते हैं, एडवाइस तो ले ना, वही बात है ना कि यार अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है। मेन हर चीज़ की जो है वो दो रीज़न है, एजुकेशन अवेयरनेस दोनों चीज़ें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल फैशन में क्या है, शॉर्ट बाल हैं या आपके लंबे बाल जो है वो आजकल तैमूर जो स्टाइल चल रहा है, समझ लें कि 70% चल रहा है शॉर्ट बालों का और 30% चले बड़े बाल। अच्छा, वैसे ये बड़े तो आ गए हैं, बड़े बालों को मेंटेन करना पड़ता है, बड़े बालों को मेंटेन करना पड़ता है, बिल्कुल। हाँ, और अगर वो तो जो होते हैं ना फिर अच्छे भी लगते हैं ना, फिर वो जो रखते हैं ना तो वो उसका प्रॉपर ख्याल भी करना चाहिए उनको, अगर क्या करना चाहिए। हाँ, करते हैं। अच्छा, मेरे साथ एक सीन था, मेरे एक जानने वाले थे, अब मैं नाम नहीं उनका ले सकता, वो क्या करते थे कि बाल एक दफ़ा गए बार्बर के पास, ट्रेंड करवा दी और क्लीन शेव हो गए, और उसके बाद वो 5-6 महीने जाते नहीं थे, 5-6 महीने में उनके बाल इतने इतने बाल हो जाते थे और शेप बढ़ जाती थी, और फिर जाके दोबारा जाके वो ट्रेंड करा के रुक, यानी साल में 2 दफ़ा जाते थे। नहीं तो फिर उसका रीज़न क्या है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि 6 महीने में एक दफ़ा जो एक बंदा देखे या तो हेयर कट नहीं करवा रहा या शेव नहीं करा तो कितना ख़राब लगता होगा। सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए वो अपने आप को, यानी कि मुझे तो कितना फ्रीक्वेंट आना चाहिए इंसान को भाई, जिनके फॉर्ग में जिनके लंबे बाल हैं वो अपना केयर करते हैं, वो आते हैं हर 20 दिन के बाद 25 दिन के बाद आके अपनी बालों की ट्रिमिंग करवा के चले जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आजकल शॉर्ट हेयर चल रहे हैं तो फिर वो थोड़ा जल्दी जल्दी आते हैं, 15-15 दिन के बाद आके अपने बालों की स्टाइलिंग, जैसे उनको बाल रखे हुए ना तो उनको फिर वो मेंटेन भी करते हैं जल्दी जल्दी फिर आते हैं। अच्छा, इसमें ये भी तो है ना कि अगर आपके बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, थिक बाल है, क्वालिटी अच्छी है, तो भी आपके कि अगर बाल ऊपर नीचे हो भी गए तो भी आपके एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन जिनके बालों की वीक है, थोड़े पतले बाल है, तो उनको तो ज़्यादा फ्रीक्वेंट आना चाहिए ताकि उनके बाल उसी तरह मेंटेन रहें, ट्रिम रहें। नहीं तो मुझे, मैं आपकी एक बात समझ में नहीं आई, जैसे आपने कहा कि जिनके बाल हल्के हैं तो वो, अब थोड़ा मुझे डिफाइन करें कैसे। नहीं, जैसे जिनके बालों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, लाइट है, तो अगर उनके बाल थोड़े आगे पीछे टेढ़े मेढ़े बड़े होते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं, बुरे लगते हैं उनको। तो सही कहा आपने, उनको जल्दी आना चाहिए, उनको जल्दी, उनको ज़्यादा फ्रीक्वेंट आना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोविड की वजह से काफ़ी बिजनेसेस जो है ना वो बंद रहे, अलहमदिल्ला अभी खुल रहे हैं, आपको भी मुबारक हो अलग करे खुल जाए, बट बहुत सारे बिजनेसेस बंद रहे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो बिजनेसेस थे उनमें से एक जो है वो ये आपके सैलून इंडस्ट्री भी थी, तो इस हालात की वजह से क्या इम्पेक्ट पड़ा इस इंडस्ट्री के ऊपर? यार तैमूर, बड़ा बुरा हाल हुआ था जब ये बंद हुआ था, इफेक्ट तो सारे बिजनेस हुए मगर इस बिज़नेस को बड़ा नुकसान हुआ है, ठीक है। आप जिस एरिया में मैं रहता हूँ, मैं सिर्फ उसका बता रहा हूँ, कुछ टाइम पहले का, अभी और भी बंद हुए, एट अ टाइम 11 हेयर सलून, 11 हेयर सलून बंद हो चुके हैं, ठीक है। किस में ज़्यादा सीट थी, किसी में कम थी, अब उनको छोड़ के सिर्फ 4 से आप लगाएं उसको कि एक हेयर सलून पे 4 सीटें हैं, एवरेज एक सफाई वाला है, एक कैशियर बड़ा, कितने हो गए? 6। आप 11 का लगाओ कितने हो गए? 66। ये 66 बंदे फारिग नहीं हुए, 66 फैमिलीज को अपना नुकसान हुआ है, और उनकी वजह से आप फिर पीछे से एक चेन पूरी, एक सिस्टम का एक चेन बनी होती है ना, मालिक को किराया देना, मालिक भी नुकसान में गया, जब तक उसकी दुकान वापस रेंट आउट हो, माल जिससे ले रहा है अब उसका भी रेशो कम हो जाएगा लेने का, भी लोगों को निकाल देगा, वो भी लोगों को निकाल देगा, तो ये नुकसान हो गया। एक इंडस्ट्री कोलैप्स होने की वजह से उसके साथ रिलेटेड सारी इंडस्ट्री, सारी फैमिली हर बंदा इफेक्ट हुआ इसी से। ठीक हो गया, तो अभी आपको लगता है कि वापस इंशाल्लाह ताला ये थोड़ी बेहतरी की तरफ आ जाएगा? हाँ इंशाल्लाह ताला, है ना, ये अब जैसे ऐसा ऐसा कोविड के जो पेशेंट्स भी कम हो रहे हैं तो लोगों का भी अब थोड़ा ये यानी कि स्टार्ट होना शुरू हो गया। मैं व्यूअर्स से अपनी एक बात ज़रूर शेयर करूँगा कि ऑल दो लॉकडाउन हट रहा है, ख़त्म हो रहा है इंशाल्लाह ताला, लेकिन केयर ज़रूर अभी भी कीजिएगा, यानी एकदम ऐसा ये मैं समझिएगा कोविड और ये कोरोना वायरस जो है ये ख़त्म हो गया, आपके लिए बिजनेसेस को, इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए इकदाम लिया जा रहा है, तो कोशिश कीजिएगा कि जिस तरह प्रिकॉशंस लेते जा रहे हैं वो अभी लेते रहिएगा। अच्छा, एक दो चीज़ें जो है ना वो हमने रखी कि एक रिसर्च की गई जिसमें लड़कियों से और लोगों से पूछा गया कि आपको क्लीन शेप लोग अच्छे लगते हैं या बीएड में लोग अच्छे लगते हैं,
तो मेजॉरिटी लोगों ने बोला कि बीएड में लोग अच्छे लगते हैं। तो बीएड के लिए मैंने बहुत सारी देखी कि कुछ लोग आते हैं वो उनकी तरह की बीएड नहीं होती, वो मार्कर लगाते हैं और कलर करने से भी वो जो सोचते हैं कि यार हमारी बीएड बेहतर हो जाएगी, तो ऐसे भी आते हैं। हाँ, तब उनका बेचारों का विद्यालय यार, वो भी तो कुछ कर सकते हैं ना यार, उनको रोक तो नहीं सकते। अच्छा, ये जो हमारे पास ग्रूम्स आते हैं तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि वो आते हैं या जैसे आपके पास वो होती है फेयरवेल होती हैं, पार्टीज होती हैं, लोग वन टाइम आते हैं और वो इतना चमक के चले जाते हैं और उसके बाद वो वापस कभी नहीं आते। बेसिकली हमारे पास वही रुझान है ना, अगर कोई बड़ा इवेंट है, कोई शादी है, कोई फेयरवेल है, कोई सालगिरह है, तो उसमें आके तैयार होके फिर चले जाना, फिर पूरा साल कुछ भी नहीं करवाना। ये गलत है। आना चाहिए टाइम टू टाइम, अपनी स्किन को उनको खुद जज करना चाहिए फर्क पड़ा है नहीं पड़ा, क्यों ना करूँ। हाँ, तो उसके बाद भी आना चाहिए, उनको आना चाहिए, अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, मेरा मानना यह है, अगर फॉर एग्जाम्पल सैलून पे नहीं आ सकते ना, फील शायद, तो अपने घर से स्टार्ट करें, अपने घर से अपनी क्लीनिंग कर लें 15-15 दिन के बाद, फेस वॉश अच्छा यूज़ कर लें, घर में बैठे हैं तो मास्क लगा दें, स्टीम ले लें, घर में भी कर सकते हैं। और जब उनको फील हो कि हाँ मुझे अच्छे रिजल्ट मिले, फिर आप फिर प्रोफेशनल के पास आ जाए। ठीक है, मेरा सवाल आपने वैसे बातों में भुला दिया क्योंकि उससे रिलेटेड ही था, वो बाद में अगर जहन में आएगा तो कर देंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने बहुत दफ़ा ये भी देखा है कि बड़े वियर्ड किस्म की जो है ना टेक्निक्स भी आ गई हैं, लोग मशहूर होने के लिए कोई तलवार से बाल काट रहा है, कोई कुल्हाड़ी से बाल काट रहा है, और एक तो हमने देखा एक लड़की है उसके लंबे बाल है, वो घास काटने वाली मशीन से जाके लाइन लगा करके काट दिया। ये सारी ये मार्केटिंग है, ठीक है ना? नहीं, ना आग लगाते ना क्या, ये सारी मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, समझे? अब ऐसे हो तो नहीं सकता ना, बस एक दफा कर दिया तो हो गया, बस वो उसका नाम हो गया। बिल्कुल, ये मार्केटिंग, वो भी ये याद रह गया लोगों को कि कुल्हाड़ी से भी बाल कटे थे तो अपना बड़ी वाली कैंची से भी बाल कटे थे। अच्छा, आप किसी दिन आएगा, आपके बाल कटेंगे आग से। सर, वो मेरे बाल आग से कटेंगे आपके बालों में, वो मेरे बाल जो है वो इतने करीब है अपने मेरे स्किन के, आप बोलेंगे तो फिर कुल्हाड़ी से काट देंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो ये बड़े सीरियस किस्म का एक टॉपिक है कि लोकल प्रोडक्ट्स और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत सारे लोग जो है वो लोकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करें जिसकी वजह से स्किन भी डैमेज हो रही है लोगों की बहुत, और वो बोलते हैं कि जी ये चीज़ ही करना बुरा है, जबकि अगर वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो ऑथेंटिक है तो मेरे ख्याल से काफ़ी स्किन के इश्यूज। यार तैमूर भाई, पहले आप मुझे ये बताएं कि एक ब्रांडेड और लोकल का आप थोड़ा मुझे डिफाइन करें। लोकल क्या? लोकल से बड़ा जो इन हाउस बन रही है, अगर कहाँ जैसे पाकिस्तान में अगर कोई बन रही है वो नुकसान दें, उनको अवॉइड करें, ठीक है? और अपना बदकिस्मती से पाकिस्तान वो मुल्क है, हालांकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आप टोटल फॉर एग्जाम्पल लेडीज़ का एक उठा लें, मेकअप का तकरीबन सारा सामान बाहर से आता है, ठीक है? हेयर केयर के सारे प्रोडक्ट्स बाहर से आती हैं, स्किन की सारी बाहर से आती हैं। मुझे आप लोकल बताएं कौन सी है, लोकल कोई भी नहीं हमारे पास, ये जो की नहीं स्टैंडर्ड की है ही नहीं, बनती ही नहीं हमारे पास। और ये तो बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी। ये जब कोविड हुआ है, हाँ, और इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट बंद हुई, तो बड़ा ये तो समझ लें कि ये अल्लाह की तरफ से इनको एक बड़ा ग्राउंड मिला है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, बनाए प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल लेवल की, और ऐसी बनाए कि खुदा ना खौसा अगर ऐसा इवेंट होता है, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, हम आई ओपनिंग एक, हाँ बिल्कुल, ये इंसिडेंट ऐसा था ये कि लोगों को पता होना चाहिए, अपनी चीज़ें बनानी चाहिए, इनको मेड इन पाकिस्तान अच्छी चीज़ें बनानी चाहिए। बिल्कुल, जो मुकाबला करें, बाहर की प्रोडक्ट्स भी हैं मगर हमारी प्रोडक्ट्स भी बाहर जाएँ, हमारे भी यहाँ पे यूज़ हों, बाकायदा मुकाबला हो ना, बड़ा गैप, एक बहुत यानी हर चीज़ में एक बड़ा गैप है ना हमारे पास, पता चलना चाहिए कि ये प्रोडक्ट। आप मुझे बताएं, एक ऐसे आपकी टेबल पे बैठे हो ना आप, मुझे इसमें मेड इन पाकिस्तान की कौन सी चीज़ आपको नज़र आ रही है बताएं? हमारा चैनल, आपका चैनल मेड इन पाकिस्तान, फिर ये अपना जो 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 एप्लीकेशन जो यूज़ करें वो मेड इन पाकिस्तान नहीं है, ये बाहर की है। हालांकि हम अपना ये चीज़ें वो जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ये वो, इनमें पाकिस्तानी भी सबसे अच्छे हैं, अपनी खिदमत पूरी दुनिया में दे रहे हैं। अच्छा, हम क्यों इतनी अच्छी चीज़ें नहीं बना सकते? बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं राशिद के एडवर्टाइजिंग कितनी ज़रूरी होती है आपके बिज़नेस के लिए, एडवर्टाइजिंग कितनी ज़रूरी है, मार्केटिंग कितनी ज़रूरी है? सर, इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ। मिसाल के तौर पर कोई मैं बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ 2 लाख रुपये का, मिसाल के तौर पर, ठीक है? तो जो मुझे मार्केटिंग के लिए जो मुझे पैसे रखने ना, वो मुझे रखने 5 लाख रुपए। एग्जैक्टली रखना चाहिए, ठीक है? बनाने से ज़्यादा मुझे मार्केटिंग पे पैसे रखने चाहिए। मार्केटिंग करूँगा तो लोगों को पता पड़ेगा तो मैंने क्या
कौन सी चीज खोली है, क्या खोली, कैसे मुझे होना चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, हाँ जी मुझे ये लगाना है, ये लगाना है, इन्वेस्टमेंट है और इससे मुझे रिटर्न मिलेगा। बनाने से ज्यादा आपको मार्केटिंग में पैसे रखने चाहिए आपके लिए, वो बड़े जरूरी है। आप दूसरी कंपनीज देख लें। बिल्कुल। और ये प्रोडक्ट्स की जो आप बता रहे हैं लोकल ऐप है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांडेड भी इसी वजह से वो लगती हैं क्योंकि उनकी पैकेजिंग, उनकी एडवर्टाइजिंग बड़ी जबरदस्त किस्म की होती है। अगर पाकिस्तानी कोई अच्छी प्रोडक्ट है भी तो वो इतनी गंदी पैकेजिंग में आती है कि लोग बोलते हैं यार ये यूज नहीं। बड़ी बदकिस्मती है हमारी, ये सबसे ज्यादा जो है ना वो ये है। अच्छा, आप कहीं दूसरी जगह चले जाए, कुछ चीज़ों के अलावा बाहर मुल्कों में आपको पाकिस्तानी चीज़ें बड़ी कम नजर आएंगी। हालांकि हम हर चीज़ में खुद कफील हैं, हर चीज़ में, मगर हमारी चीज़ें नज़र ही नहीं आती। बाहर आप चले जाएं, उधर आपको हर दुनिया की चीज़ नज़र आएगी, पड़ोसी मुल्कों की आपको मिठाई भी नज़र आएगी आपकी। हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ें, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा मुझे बताएं, नुकसान दिया बढ़ाया, मुझे बताएं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो आपकी इंडस्ट्री के बारे में क्या है, कि क्या वो उनके कुछ सेट रूल्स हैं जिसको देख के आप लोग अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं? जबकि बीच में मैंने एक दो दफ़ा सुना था कि वो आपके जो वर्कर्स हैं जो बार बार जो उनका टेस्ट वगैरह भी करवाए गए। देखो तैमूर, गवर्नमेंट ने अपनी SOPs जारी की हुई हैं, अब हम लोग ऐसे बगैर उसके काम कर नहीं सकते ना, ठीक है? अगर करेंगी भी ना जो, तो वो थोड़ा डर में होंगे। अब जो एम्प्लॉई है हमारे पास, उनके बाकायदा टेस्ट होते हैं, उनके सर्टिफिकेट्स आते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अपना जब किसी क्लाइंट को जब वो डील करेगा ना, तो उसको ग्लव्स पहनना उसके लिए ज़रूरी है, मास्क पहनना ज़रूरी है, ठीक है, और स्टेलाइज हुआ सामान जरूरी। वैसे तो ये तो हो गया कोविड से रिलेटेड। ये कोविड से पहले ही का, ये तो कोविड से पहले ही आ गया। इक्विपमेंट को स्टेलाइज करना, अच्छा ये तो जरूरी है। अच्छा, ये जो क्लाइंट जो जाते हैं ना, तो वो उनको बोलें, जिस सलून में भी जाए उनसे उनको बोलें कि सामान अपना स्टेलाइज करें। बिल्कुल, वो अगर ग्लव्स नहीं पहनते तो उनको वो डिमांड करें हैंड वॉश करें, ये जरूरी है बहुत चीज़। बिल्कुल सही। और ये कोविड से पहले का मेरे ख्याल से इंप्लीमेंट किया। और दूसरा कोविड चला, दूसरा ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोशिश करके डिस्पोजेबल रेजर्स जो होते हैं ना वो यूज़ करें, ताकि थोड़े और उसकी सेफ्टी, चांसेस थोड़े पैसे, दो पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे, मगर वो उसकी अपनी भी सेफ्टी है। अच्छा, और यूज़ करवा के फिर उसको तोड़वा भी दें हाथ से, उसको बोलो तोड़ो मेरे सामने, ताकि रीयूज़ ना, हाँ रीयूज़ ना हो। छोटे सैलून में ऐसा होता होगा, ये छोटी छोटी बातें ना इनका ध्यान रखें। ये क्लाइंट बोले उनको कि भाई ये मेरे सामने तोड़ दो, आप उसको ऐसे तोड़वा के वापस बन ना सके वो। अच्छा ये बताएं कि रूट कस्टमर्स भी आते होंगे आपके पास, लाइक अगर कभी किसी की मूछ, बड़े लोग पर्टिकुलर होते हैं, अगर किसी की मूछ वगैरह जो है वो टेढ़ी हो जाए, छोटी कट जाए, शेव थोड़ी ऐसी हो जाए, किसी के बाल थोड़े ज़्यादा कट जाए, तो वो कोई सीन होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो उस पर कैसे आप, या फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो उनसे सॉरी करनी होती है। बिल्कुल, रूट कस्टमर्स को भी कभी कभी सोचना चाहिए कि वो आते रहते हैं, कभी इंसान है उससे ही गलती हो जाती है, बाल भी आ जाते हैं, शेप भी वापस आ जाएगी उसकी, मगर वो उसकी जो सुना के जाते हैं ना वो कम से कम ना करें। सॉरी कर दिया ना, हो गया मेरे ख्याल, मगर थोड़ा यार ये उनको भी थोड़ा ना वो करना चाहिए, कोई जान बूझ के कोई अपना क्लाइंट खराब नहीं करेगा, जान बूझ के वो अपना नहीं करेगा, ना बार बार करेगा, ना ही कोई सैलून करेगा कि उसके बाल खराब हो जाएंगे, थोड़ा बर्दाश्त कर ले उसको, बोल देंगे अगली दफा, क्योंकि वो गलती हमारी है। बिल्कुल, जो खड़ा हुआ क्लाइंट उसी अपना जो काम करा एम्प्लॉय उसकी गलती है, उस सैलून वाले की गलती है, ठीक है, उसकी हम सॉरी करते हैं उससे, उसको सोचना चाहिए कि रूट के यार वो जानबूझ के उसने नहीं किया। अच्छा ये जो आते हैं आजकल, आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 14 अगस्त आ रहा है, इसके ऊपर लोग आते हैं अपनी स्टाइलिंग करवाने। अर्तुगुल बहुत मशहूर एक ड्रामा चल रहा है, उसमें तुर्गुत है, बम्सी है, या अर्तुगुल जो है उनका जो है वो लोग कहते हैं यार हमें वैसा हेयर स्टाइल बना दो, वैसी शेप बना दो, तो ऐसे लोग आते हैं डिमांड करते? बिल्कुल आते हैं, फिर वो अपना उसको मेंटेन करते हैं। खाली फिर आपको अपना जो अर्तुगुल बनना है तो सिर्फ अपने बाल और दाढ़ी को आप मेंटेन रखते हैं, तो फिर उस हिसाब से अपनी बॉडी को भी मेंटेन रखें। ये चीज़ें नजर नहीं आ रही, ये टेमोर का ये ना टमी निकली ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, करते हैं लोग करते हैं बाकायदा अच्छे तरीके, और इस पर फ्रीक्वेंट भी आना पड़ेगा, फ्रीक्वेंट वो आते हैं, जो करते हैं ना वो फ्रीक्वेंट आते भी। मैं अगर बोल दूँ मुझे वैसे दाढ़ी कर दो तो मुझे फिर उस दाढ़ी सेटअप करने के लिए मेरे ख्याल बार बार आना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक सवाल जो दाढ़ी में तो बड़ा टाइम लगता है बनाने में ना, वो बालों से ज़्यादा दाढ़ी में टाइम लगता है। अच्छा एक सवाल जो है मैं बहुत अरसे से ये पूछना चाह रहा था कि एक स्टाइलिस्ट है, एक जो आपका वर्कर है, वो कितने अरसे में एक प्रॉपर स्टाइलिस्ट बनता है? और जब वो, जाहिर सी बात है उसको पहली दफ़ा जब वो खड़े होकर सीख रहा होता है
तो पहली दफा तो किसी के बाल काटेगा, तो वो यानी वो कौन सा बकरा होता है बेचारा, वो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं यार इसके बाल इससे कटवा दो? अपना तैमूर देखो, एक फॉर में एजुकेशन होती है, स्कूल जाते हैं ना, उसके भी स्टेप बाय स्टेप आदमी आगे बढ़ता जाता है, ठीक है ना, और वो बंदे के ऊपर होता है। क्लास में भी तो मिसाल के तौर पर 30 अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें फर्स्ट भी एक या दो तीन आते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है ना। तो ऐसे ही अपना जो ये काम सीखने के लिए आते हैं उसको भी एक आते बहुत सारे, मगर एक जिसको लगन होती है ना वो जल्दी सीखता है, जो नहीं सीख रहा होता तो उसको तो टाइम लग जाता है, ठीक है ना। एक तो ये, दूसरा ये कि जो बकरा बनता है ना वो उसका उस्ताद खुद बनता है। अच्छा। वो ऐसे कभी भी अपने शागिर्द को बोलेगा नहीं कि यार तुम जाके अपना है ना उसकी एक क्लाइंट के जाके खड़े हो जाओ कि तुम उसके बाल काटो, तुम उसकी शेप अपने पे करवाएगा, वो सब चीज़ें अपने पे खुद करवाता है। और अगर सीख भी जाता है ना तो उसका उस्ताद उसको ऐसे नहीं खड़ा करने देता उसको क्लाइंट को, फिर भी उसको आहिस्ता आहिस्ता किसी को कलर लगा बेटा जाओ जाके उसको हेड वॉश कर दो। अगर कोई बंदा क्लीन शेव होने के लिए आ रहा है ना तो फिर उसको बोलेगा जाओ जाके क्लीन शेव करो उसको, साथ शायद खड़ा भी हो जाए, खुद भी खड़ा होता है वो बार बार उससे करा जैसे उसका हाथ मजबूत हो, ठीक है। फिर आहिस्ता 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 उसको फिर काम यानी बच्चों से फिर स्टार्ट करके फिर उसको बड़ों अपना लेके आता है उसको। अच्छा, टाइम लगता है उसको। एक और चीज़ थी जो मैं अभी थोड़ा सा मिस करता हूँ, पहले भी थी हमारे, मैं नाम ले लेता हूँ, हमारे एक बारबर थे उनका नाम था गुड्डू भाई, उनके पास जब हम जाते थे ना तो वो हमें पूरी स्टोरीज पूरा अपडेट देते थे हमारे सारे दोस्तों का कि यार तुम्हारा जो दोस्त है सल्लू वो आजकल वहाँ गया हुआ है, वो मेरे पास आया था बाल कटवाने तो वो ये हो गया, आपका दोस्त है यावर उसको वो कनाडा चला गया, उसकी अम्मी को भी उसने अपने पास बुला लिया है, तो पूरे आपके जो है ना पूरे 15 दिन 20 दिन 25 दिन का पूरा अपडेट देते थे। जो देखो यार ये जो बार्बर्स होते हैं ना इनके पास सारी दुनिया जान के लोग आते हैं, उनसे बातें चीतें भी होती हैं ये वो, और जो बंदा एक हेयर कट करवाने के लिए आ रहा होता है तो वो भी एक थोड़ा रिलैक्स होने के लिए आ रहा होता है, ठीक है ना। वो 20-25 दिन अपने हैक्टिक्स अपना उसमें टाइम टेबल उसका चल रहा होता है, ऑफिस भी जाना है, घर भी जाना है, अपना फैमिली को भी टाइम देना है, यानी सारा दिन उसका दिमाग चल रहा होता है। जब वो अपना एक बार्बर के पास जाता है तो जो उसको 30-40 मिनट जब मिलते हैं ना तो पूरे उसको पूरी जान की उसको समझ लेगी एक अपडेट मिल जाती है, उसको सुकून रिलैक्स होकर फिर वापस चला जाता है। बिल्कुल। अब एक फॉर एग्जांपल जाएगा, एक जाके बैठेगा एक डेड तरीके से, वो बाल काट उठ के चला गया, अब ऐसा नहीं है, ठीक पूरी जान। अच्छा, और वैसे ये भी था कि जब आप बाल कटवा रहे थे तो रेमेडीज भी मिल रही थी जो एट टाइम्स कभी कभी बड़ी अनॉइंग होती है कि आप बैठें, अब जैसे मुझे पता है मेरे पीछे से बाल कम है या मेरे बाल हल्के हैं या डैंड्रफ है, लोगों को पता होता है उनके सरफेस के, तो वो आइडेंटिफाई भी करते हैं और साथ साथ जो है ना वो उनको रेमेडीज देना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक के भाई ठीक है तुम ये तेल लगा लो फला कर लो तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो यार देखो यही तो हमारे पास प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को हम लोग बुरा बुरा बोलते हैं। पहले क्या होता था, डॉक्टर बोलते थे कि भाई बस ये अपना इसको देखे ये टेबलेट खा लो जाओ तुम सेट हो जाओगे, कुछ सेट हो जाते थे बाकी इसका वो हो जाता प्रॉब्लम, हमें तो पता नहीं, जो सेट हो जाता वो 10 जनों को पता था यार डॉक्टर ने टेबलेट दी मैं ठीक हो गया। अब पेशेंट जब डॉक्टर्स के पास जाता है जाके बोलता कि भाई तुम जाओ जाके अपनी ये रिपोर्ट्स करवा के आ जाओ, कि उसमें सारी चीज़ें आ जाती है ना, फिर हम क्या करते उन्हीं डॉक्टर्स को बुरा भला बोलते हैं कि यार ये हमारा खर्चा करता करवा देता है ये महंगा है ये वो। तो आप जब सलून पे आते हैं तो जो आपके साथ प्रॉब्लम होती है वो आपको बताता है कि यार आपके बाल हल्के हैं, आपके बालों में डेंड्रफ है, आपके बाल अगर गिर रहे हैं तो आप ये चीज़ें यूज़ करें, उसका बताना उसका काम है, आगे वो करवाए ना करा वो क्लाइंट की अपनी है। वो तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि एक्सपर्ट है इस मामले में, लाइक इनकी इनकी भी मेरे ख्याल से इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि ये आइडेंटिफाई कर सकें प्रॉपर तरीके से, जैसे हर बिजनेस में लोगों की ट्रेनिंग होती है डेवलपमेंट होती है, तो इसके अंदर भी इनकी होनी चाहिए कि यार दो तीन तो इश्यूज हैं बड़े। हाँ वो तो देखो ज़्यादा नहीं है तैमूर, ज़्यादा नहीं है, अब पाकिस्तान में हल्का फुल्का ट्रेंड आ रहा है, ज़्यादा नहीं, रेयर कभी कभी जैसे बालों की कोई कंपनी है जो ट्रीटमेंट करती है उनकी कभी कभी अपना ट्रेनिंग्स हो जाती हैं। और दूसरा ये भी जो जो पेशा है ना जो अपना सलून वाला, ये भी समझ लो एक डॉक्टर की तरह है, जो पढ़ेगा डॉक्टर वही अपडेट रहेगा ना, तो ये बच्चे भी अपने आप को जो है वो अपने आप को अपडेट रखते आते हैं, ठीक है। ये यूट्यूब्स के थ्रू पूरी दुनिया के अपना सलून देखते रहते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, कैसे कैंची को यूज़ किया जाता है, कैसे ट्रीटमेंट होती है, तो वो उसके थ्रू देखते जाते हैं, अपने आप को अपडेट करते जाते हैं। मेरा अब एक फॉर्म मेरे पास आ जाए कि यार मेरे से स्टाइल से बाल काटो, मेरा नेक्स्ट सवाल यही था। अच्छा, कि जो हमारे जो वर्कर्स हैं जो हमारे सैलून पर लड़के काम कर रहे हैं उनका अपडेट होना कितना इंपॉर्टेंट है और उनका अपना स्टाइलिश होना कितना इंपॉर्टेंट है, उनके बाल कितना कटे हुए होने चाहिए, उनके कपड़े कैसे होने चाहिए और उनको लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए। मेरी तो ये कितना मेरे ख्याल में भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ
स्टार्ट में जब मैंने नया नया सलून खोला था तो मैंने अपने बच्चों के लिए ड्रेसेस बनवाई थी अपने सलून के नाम से, कुछ टाइम मैंने वो इस्तेमाल करके फिर वो मैंने ख़त्म कर दी। जो स्टाइलिस्ट होते हैं, जो एम्प्लॉई है ना, इनकी ड्रेस नहीं होनी चाहिए, वो खुद साफ़ सुथरे बन के आएंगे, खुद उनकी स्टाइलिंग हुई पड़ेगी तो दूसरा बंदा भी आके उसके पास जाके बैठेगा, साफ़ सुथरा होगा तो जाके वो उसके पास बैठेगा, और जितना वो अपने आप को अपडेट रखेगा तो उसको अपना पता पड़ेगा। तो अब ये है ना कि अब अपने आप को जो ये एम्प्लॉई हैं वो अपने आप को अपडेट रखते हैं। अच्छा, जब हम एम्प्लॉई, क्योंकि अब वो इतनी सारे अपना वो स्टाइलिंग आ गई तो अब उनको मजबूरन भी देखना पड़ता है, ना देखना भी चाहे ना तो भी उनको देखना पड़ता है कि यार आजकल वो लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, लेटेस्ट फैशन क्या चल रहा है, कि क्लाइंट में आके बोले तो हम जाके वो करें। फिर दूसरे भी तरीका आ रहे हैं आजकल, अपना बच्चे जो आते हैं अपना इंटरनेट खोल के उनको दिखा रहे होते हैं कि यार इस तरीके से बनाना, इस तरीके से बनाना, उधर भी थोड़ा बहुत उनको अपडेट हो जाता है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली लोगों की, जो हमारे वर्कर्स हैं उनके स्टाइलिश होने की। एक सैलून का अच्छा डेकोरेटिव, उसका इंटीरियर कितना इंपॉर्टेंट है? अच्छा, बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि बहुत ज़बरदस्त इंटीरियर है लेकिन आप जब जाते हैं तो वहाँ पर बड़ी आपको सन्नाटा टाइप का होता है, म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक नहीं होता, यानी म्यूज़िक होना चाहिए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का म्यूज़िक हो, या जो उधर के वर्कर्स हैं उनका एटीट्यूड, यानी वो कहीं लेटे हुए हैं, वो खुद बेजार लग रहे हैं, तो आपके ख्याल से मूड और ये जो पूरा एम्बियंस है ये कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़रूरी है, हद से ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छी जगह बनी हुई है, उधर कोई अट्रैक्शन नहीं है, अंदर जाते हुए मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही है ना, तो बस मैं फिर एक दफ़ा जाऊँगा उसके बाद कभी भी नहीं जाऊँगा। ये समझ लें कि जो सलून का इंडस्ट्री है ये एक समझ एक टाइप की नेटवर्किंग है हमारे लिए ना, उसको अच्छा रखना पड़ता है, म्यूज़िक लगाना पड़ता है, अपना जो क्लाइंट है उसके साथ एक अच्छे तरीके से एक दोस्त की तरह से मिलना पड़ता है, ये नेटवर्किंग है। हम जितना यार फिर ऐसे तो फिर जो गली मोहल्ले में जो दुकान है फिर आदमी उधर चले जाए, उस सलून पे चले जाए, जो आते हैं जो खर्चा करने के लिए आते हैं ना उसकी जेब में पैसे पड़े उसको मज़ा नहीं आ, फिर दूसरी जगह चला जाएगा। अब मुझे उसको कैसे रोकना है, मुझे उससे अच्छे तरीके से बात करनी है, अच्छा उसको अच्छी फैसिलिटी देनी है, मुझे मुतमइन करके फिर बेचना है, उसके मूड को भी देखना है मुझे। अच्छा ये बताएं, मूड की बात हम जब करते हैं तो ये कितना अनोइंग होता है कि जब मैं बाल कटवाने आ रहा हूँ और तो मुझे अक्सर ऐसा होता है कि बार बार बोलता है सर एक मिनट रुके, जहाँ पे रश होता है एक मिनट रुके मैं फलां साहब के बाल धो के आता हूँ, एक तो ये ऑप्शन। दूसरा, कभी कभार हमारे जो क्लाइंट होते हैं ये भी गलत होते हैं कि आप बैठे हैं बोला यार एक मिनट रुको और 10 मिनट की कॉल कर रहे हैं, बंदा बैठा हुआ है उसके पीछे। अब देखें, जैसे आपने कहा कि एक अपना जो एम्प्लॉई है वो दो दो जनों को अपना है ना बैठ के उसके अपना वो सर्विस दे रहा होता है, वो एम्प्लॉई ऐसे दे नहीं सकता ना, क्योंकि फर्ग में अगर एक बंदे के सर में कलर लगा हुआ है उसकी एक टाइमिंग होती है ना, 30 मिनट्स भी होती है, 20 मिनट्स भी होती है, तो फिर वो उस क्लाइंट से परमिशन लेता है कि सर अगर आपकी परमिशन हो, आपके बालों में टाइम है अभी, जब तक मैं दूसरा क्लाइंट अपना कर लूँ। फिर ऐसे ही होता है, फिर उस जब क्लाइंट के पास जाके बैठता है, जब दूसरा क्लाइंट बिठाता है तो फिर उसको भी बोलता है कह दिए मैंने आपको बिठा दिया, जब मुझे उसको वॉश करना पड़ेगा तो फिर मैं वापस चला जाऊंगा, तो फिर मैं वापस जाऊंगा, तो फिर ये कि अंडरस्टैंडिंग होती है। और फोन वाला, क्योंकि फोन वाला वेट कर रहे होते हैं उनका, हाँ ये थोड़ा उनको भी समझना चाहिए कि देखिए पीछे रश लगी पड़ी होती है, क्लाइंट है, फोन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, या तो आप फोन 15-20 मिनट के लिए साइलेंट कर दें, नहीं कर सकते तो थोड़ी मुख्य बात करके छोटी बात फिर ख़त्म कर दें, क्योंकि आपकी वजह से उस जो सुबह से जो कमाने के लिए बेचारा आ रहा होता है ना, तो पीछे उसका दूसरा क्लाइंट वो अक्सर उठ के चले जाते हैं, क्या देर है, हाँ कि देर हो रही तो हम दूसरे दिन आएंगे। तो पहला सवाल यही होता है कितनी देर है, हाँ पहला क्वेश्चन ये होता है कि भाई कितनी देर है। अच्छा राशिद, इसके साथ हम अपने आखिरी सवाल की तरफ आते हैं कि हमने ये देखा है, हमारी टीम ने रिसर्च की है कि आजकल बड़ी उम्र के जो बार्बर्स हैं वो सैलून्स में नज़र नहीं आ रहे, जिन्होंने 15 साल 20 साल 25 साल इस इंडस्ट्री को दिए लेकिन वो अभी नज़र नहीं आ रहे, और यंग लड़के जो कि अच्छा काम कर रहे हैं वो हैं। तो आपकी कोई ऐसी एसोसिएशन है जो कि जो आपके स्टाफ होता है, जो आपके वर्कर्स होते हैं जो बड़ी उम्र के हो जाते हैं और वो काम नहीं कर पा रहे होते तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, किसी का हाथ का मसला हो जाता है, तो आपकी कोई एसोसिएशन है? और नहीं है तो क्या होनी चाहिए? यार तैमूर, अनफॉर्चुनेटली यार पाकिस्तान में तो नहीं है, पाकिस्तान में क्या, बहरहाल मुझे मैं अपने शहर की बात करूँ ना तो उधर तो नहीं है कि कोई बेचारा बड़ी एज का अगर रिटायर हो जाता है, बीमार हो जाता है तो उसके लिए कोई कुछ करे। इंडिविजुअल जो सलून ओनर्स हैं वो करते हैं, एम्प्लॉई वो मिलके करते हैं, वो एक दफ़ा, बदकिस्मती हमारी तो आपके ख्याल से होना चाहिए, इनकी अपना होना चाहिए, इनको गवर्नमेंट एक दर्जा दे इस इंडस्ट्री को, ठीक है ना, ये भी अपना बिजनेस देता है पाकिस्तान को, ठीक है ना, इनकी भी एक होना चाहिए, इनको फुल टाइम वर्कर काउंट करना चाहिए कि जब ये जब रिटायर हों, एक इनकी एज बड़ी कम होती है इस फील्ड में, यार देखो मेरे हिसाब से एज कम है, ठीक है ना, और दूसरा आजकल बच्चे भी थोड़ा यंग हैं तो फिर वो उनके पास जाते नहीं हैं,
जो बड़ी एज वाले जो होते हैं ना, अच्छा मोस्टली वो बेचारे। मेरे ख्याल से इस पहली बात तो इसमें दो बातें हैं कि हमारे पास इस इंडस्ट्री को आज तक इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया। और दूसरा एक बड़ा टैबू था जो लोग नॉर्मली क्या होता है कि इस बिजनेस में जो भी आते हैं उसको नाई 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 बोलना स्टार्ट करते हैं, वेयर एज ये एक प्रॉपर बिजनेस है और ये लोगों की बेहतरी के लिए काम हो रहा है। तैमूर मैं अपना बताएं मुझे अपना ना वो अफसोस भी होता है, जब मैं इस बिजनेस में जब मैं आया था ना तो मेरे अपने दोस्तों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया था, आपको पता है नाई उस टाइम पे इतना वो नहीं था, मेरे शहर की मैं बात कर रहा हूँ, इस फील्ड में यानी कि लोग नहीं थे। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो फिर मेरे दोस्तों ने मेरे इवन मेरे रिश्तेदारों ने मेरा मजाक उड़ाया था कि नाई हजाम इस टाइम का नाम ले रहे हैं, हालांकि वो अपना हलाल खा रहे हैं, कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और लोगों को रोजगार रोजगार दे रहे हैं, अल्लाह इसमें से एक अच्छा रोजी दे रहा है, ठीक है ना। देखा मुझे जब मेरा काम चल गया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर जो मेरे मजाक उड़ा रहे थे ना फिर वो भी ऐसा था खुद ब खुद उस फील्ड में आ गए। तो आपको पता है कि आज आप किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, एक बंदा मेहनत कर रहा है ना, काम कोई भी हो भाई, काम वही डाला जो है, काम छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है, काम होता है ना, रोजी कमरा हलाल काम करा है, हलाल जगह से वो ले रहा है, हराम नहीं। मैं अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहता हूं किसी का मजाक नहीं, आज ये वो बिजनेस नहीं करते तो इनको यहाँ बैठने का मौका नहीं मिलता, ये कितने फखर की बात है, बड़ी तकलीफ मैंने उठाई है और कितने फखर की बात है कि आप हमारे पॉडकास्ट में बैठे, यानी आपके लिए कितने फखर की बात है। बिल्कुल मैं तैमूर कसम से मैं यकीन तुम करोगे यार मैंने बड़ी तकलीफें देखी हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, एक ऊपर से जाके फिर मैं नीचे आया, मेरी फैमिली देखी है, मैंने बड़ी मेहनत की है, आपकी फैमिली रोजगार मेरा मुझे कौन दे रहा है, खुदा मुझे दे रहा है ना, और मेहनत मेहनत दे रही है मुझे, मैं अल्लाह मुझे मेरी रोजी दी, मुझे एक अच्छे मुकाम पर खुदा ने पहुँचाया। तो मैं सबों से मिलकर मेरा ये ना बिजनेस कोई भी हो आप उसका मजाक मत उड़ाया करें, किसी की भी यार वो यानी कि बस वो नहीं किया करना, एक बेचारा वो मेहनत कर रहा है ना, बिजनेस करे, अब बिजनेस करे, अच्छा जाए कोई दूसरे के कोई क्रिमिनल क्राइम में चला जाए वो अच्छा है। अच्छा मुझे लास्ट बिल्कुल फाइनल हमारी चीज कि हमारा जो दरख्त के नीचे बैठ के चेयर लगा के और वो बाल काटना वो भी तो कल्चर खत्म हो गया, वो आते थे देखने के लिए आते थे, आते थे ना, वो सब खत्म हो गया वो कल्चर यार हमारा। देखो कल्चर टोटल खाली दरख्तों के नीचे बैठने वाला कल्चर नहीं, सारा कल्चर ही खत्म होगा, सब तकरीबन खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, बदकिस्मती से फिर मैं ये लफ्ज यूज कर रहा हूँ, हम पाकिस्तानियों ने अपना कल्चर छोड़ के हम लोगों ने दूसरा कल्चर सब लोग अडॉप्ट कर लिया ना, ठीक है। हमारा अपना कल्चर कहाँ है, चार सूबे हैं, ठीक है ना, तो हमारा कल्चर सबों से पुराना है, मैं तो फख्र करता हूँ अपने कल्चर पर, ठीक है ना, एक ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा मुझे कभी आप एक कई दूसरी पॉडकास्ट करें ना तो मेरा सजेशन आपसे ये, आप कोई ऐसे बंदे को भी लेके आए जो कल्चर के बारे में जानता हो ना, फिर वो भी अपना वो बताए। अच्छा आप, हम इधर कंक्लूड करते हैं अपने पॉडकास्ट को, आप ये बताएं कि आपको कैसा लगा यहाँ पे आना। मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मेरे दिल की बातें थी जो मैं कि दूसरों से नहीं कर सकता था ना वो यहाँ पे बैठ के मैंने आपसे शेयर की है, तो कि ये बातें भी दूसरों को बता। तो आपको लगता है आप कुछ और कोई चीज़ मिस कर गए हम या तकरीबन सब चीज़ हमने तकरीबन सब चीज़ें हो गई मिस, अगर कभी और बातें याद आई तो फिर मैं आपसे फिर टाइम लूंगा एक दफ़ा, ज़रूर आपको वापस बुलाएं एक दफ़ा। अच्छा व्यूज़, यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि हमारी कोशिश है इस पॉडकास्ट में कि हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लोगों को बुलाएं और आपकी आप लोगों को एजुकेट करें डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर। हम राशिद भाई का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने टाइम निकाला और आके हमें इंडस्ट्री के हवाले से बहुत सारी बातें की। जाते जाते मेरा अपना जो आप लोगों को एक मैसेज है वो ज़रूर देना चाहूँगा कि एक दूसरे को सपोर्ट ज़रूर करें। लाइक हम इंटरनेशनल कंटेंट को सपोर्ट करते हैं, हम जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं, हम अपने कंटेंट को अपने लोकल कंटेंट को हम सपोर्ट नहीं करते। तो आप ज़रूर सपोर्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे आपको एक बेल आइकन मिलेगा आप उसको ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको किसी भी टॉपिक पे हमारा नेक्स्ट जो गेस्ट हैं वो कैसे हैं, जैसे इन्होंने सजेशन दी कि कल्चर वाले को बुलाएं, अगर आप किसी और को देखना चाहते हैं किसी और टॉपिक पे या इशू पे आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस चैनल को जितना सब्सक्राइब कर सकते हैं जितना शेयर कर सकते हैं करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। आप लोगों के टाइम का बहुत शुक्रिया, राशिद भाई आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।